मित्रों, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, शादी के बाद पति पत्नी में झगड़ा होना बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन जब ये झगड़ा लिमिट से ज़्यादा होने लग जाए, मतलब अगर हम ये कहें कि दिन में अगर ये झगड़ा आपका 2 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका जो शुक्र है वो डैमेज हो रहा है, या उस पर किसी दूसरे प्लेनेट की बुरी दृष्टि उस पर है। तो ऐसे समय में आप क्या करें मित्रों? ऐसे समय में आपको चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, और ऐसे दंपति के लिए मैं लेके आया हूँ ये 10 एस्ट्रोलॉजिकल उपाय। मित्रों, इन 10 एस्ट्रोलॉजिकल उपायों में मेरा जो फेवरेट उपाय है वो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से हैं। तीसरे नंबर का उपाय, पांचवें नंबर का उपाय और 10वें नंबर का उपाय, ये मेरे फेवरेट उपाय हैं जिनको मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ। लेकिन उपाय सारे ही कारगर हैं, सारे ही शानदार उपाय हैं और सारे ही चमत्कारी उपाय हैं। अगर आप भी चाहते हैं, आपके या आपके मित्र या आपके आसपास अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और उसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, तो ये जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखें। और हाँ, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे उपाय कैसे लगे। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मित्रों। मित्रों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी गर्लफ्रेंड और काफ़ी पति पत्नी और काफ़ी दंपतियों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, ऐसे भी नवविवाहित जोड़ों के भी आते हैं और कहते हैं कि हम लोग, हमारे में झगड़ा बहुत होता है, गुरुजी बताएं हम कैसे इससे, झगड़े से अपने आप को कैसे दूर करें, झगड़े से हम कैसे बचें, हम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं पर हम क्या करें। तो मित्रों, ऐसे लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि जो मैं आज उपाय बता रहा हूँ, 10 उपाय, इनमें से कोई भी 3 उपाय आपको करना है, और ये कब कितने समय तक करना है आपको, ये कम से कम 6 महीने तक करना है आपको ये उपाय, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगी। और अगर आप मेरे से अपना सजेशन चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने ज़्यादा जानना चाहते हैं कि किस तरह मेरी लाइफ को मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ, किस तरह हमारे रिलेशंस को मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप अपॉइंटमेंट लेके, मेरा जो पेड कंसल्टेशन है उसके अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे कि पति पत्नी के बीच अगर हो रहा है झगड़ा, तो पेश है ये 10 रामबाण उपाय। सबसे पहला उपाय ये है, देखिए तुलसी जो माता है ना, तुलसी माता, इनका बहुत बड़ा स्थान है हिंदू धर्म में। अगर आप तुलसी का पेड़ शुक्रवार के दिन लगाते हैं तो आपके रिश्तों में बहुत अच्छा आराम आता है और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं मित्रों। जो झगड़े चल रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको शुक्रवार के दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है मित्रों। दूसरा जो उपाय है वो बहुत बढ़िया उपाय है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का उपाय है, शुक्रदेव को प्रसन्न करने का उपाय है। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है मित्रों, कन्याओं को मिश्री मिला हुआ दूध ले लेना, उसमें मिश्री मिलाना है और मिश्री मिला हुआ दूध कन्याओं को पिलाना है शुक्रवार के दिन। इससे भी आपके शुक्र को पावर मिलेगी और आपके जो पति पत्नी के रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे मित्रों। मित्रों, तीसरा जो उपाय है, जो कि मैंने बताया था, तीसरा उपाय मेरा फेवरेट भी है, वो उपाय ये है, क्योंकि वो आपको एक ही बार करना है, बाजार से एक चांदी का सिक्का खरीद के लाइए, या आपके घर में कोई चांदी का सिक्का हो तो वो खरीद के लाइए और अपने पर्स में रख लीजिए मित्रों। मित्रों, चांदी का सिक्का अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो इससे आपके पति पत्नी के रिश्तों में बहुत लाभ होता है और पति पत्नी के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं और आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो बहुत कम ना के बराबर हो जाते हैं। चौथा उपाय पे आते हैं मित्रों, बहुत ही शानदार उपाय है, बहुत ही पावरफुल उपाय है, माता लक्ष्मी की पूजा करो। पति पत्नी दोनों मिलकर महालक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी की आरती करें फ्राइडे को, और माता लक्ष्मी को बर्फी की मिठाई का भोग लगाएं फ्राइडे के दिन। बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस फेवरेट उपाय। और 5th नंबर का उपाय वो ये है कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब आदमी को सफ़ेद वस्तु का दान करें, आसपास कोई मंदिर देख लें, उस मंदिर में सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद वस्तुएं आपको क्या होती है बताइए, आपको दही भी है, चीनी भी है, घी भी है, जो भी सफ़ेद वस्तुएं आप देख लो, घी तो नहीं कहूँगा मैं, घी सफ़ेद में नहीं आता, पर सफ़ेद जितनी चीज़ें भी है, बर्फ़ी है, तो सफ़ेद चीज़ों का आपको दान करना है मित्रों। मित्रों, छठा
जो उपाय है, शुक्रवार के दिन का व्रत रखें। अगर आप शुक्रवार के दिन व्रत रखेंगे, इससे भी आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा राहत मिलती है। अच्छा, ये उपाय सिर्फ पति पत्नी के लिए ही नहीं, अभी प्रेमी प्रेमिका है, अपने रिलेशन में बंधे हुए हैं, जिनकी सगाई हो चुकी है और उनमें भी अगर झगड़े होने शुरू हो गए हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो रिश्ता ऐसा है, उस समय इंसान को पता नहीं लगता कि हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है, तो उस समय सब अच्छी अच्छी बातें होती, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ डैमेज हो रहा है तो आप ये उपाय शुरू करें। मित्रों, शुक्रवार के दिन का व्रत करें, जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का उच्चारण करें। ये सातवें नंबर का उपाय है, आपके गुरु मंत्र का उच्चारण आपको करना है, जो भी मंत्र आपके गुरु ने दिया है। मित्रों, ये आठवां उपाय भी बहुत शानदार उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, गणेश जी के मंदिर में जाना है, या आपने घर में गणेश जी की फोटो है, गणेश जी का मूर्ति है आपके घर में गणेश जी की, उनको इत्र अर्पण करें आप गणेश जी को। गणेश जी को इत्र अर्पण करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जो परिवार में सुख शांति बनाए रखते हैं, स्पेशली पति पत्नी के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे। तो ये गणेश जी के इत्र वाला उपाय बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल उपाय है, जो भी इसको करेगा उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसके बाद मित्रों, हम आते हैं राधा कृष्ण को, भगवान राधा कृष्ण जो कि प्यार के एक सिंबल हैं, जो कि प्रेम के एक सिंबल हैं, उनको गोमती चक्र अर्पित करें। गोमती चक्र आपको दुकानों पर मिल जाएगा, पूजा वाली दुकानों पर, तो भगवान श्री राधा कृष्ण को गोमती चक्र अर्पित करें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसके, पति पत्नी के रिलेशन में बहुत अच्छा आराम मिलता है इसको करने से। और दसवां उपाय जो कि मेरा फेवरेट है मित्रों, इससे ना केवल पति पत्नी के रिलेशन बल्कि घर में सबके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, मेरा ये उपाय है, अपने घर में गुरुवार के दिन के अलावा बाकी सारे दिन ये उपाय कर सकते हैं, और सोम रविवार के दिन भी ये उपाय नहीं करें, गुरुवार और रविवार के दिन नहीं करें। अपने घर में समुद्री नमक का पोचा लगाए पूरे घर में, इससे भी बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी घर से खत्म हो जाती है और आपके परिवार में आनंद ही आनंद चारों तरफ हो जाता है। मित्रों, बहुत ही बढ़िया उपाय है मित्रों, और ऐसे मैंने बता दिया, तीसरा, पांचवा और दसवां मेरा फेवरेट उपाय है, मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे इससे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी उपाय भी बहुत पावरफुल उपाय है, कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। जब भी आप उपाय करें, एक हमेशा ध्यान रखें कि उपाय कौन सा काम करता है। उपाय वही काम करता है जो एक एस्ट्रोलॉजर, जो एक गुरु जिसका अपने इष्ट के प्रति अटूट विश्वास हो, वो किसी को उपाय देता है, वही उपाय उसका काम करता है। आपने टीवी में देख लिया, या ऐसे ही कोई भी आदमी बोल रहा है रास्ते चलने वाला, भैया ये कर लेना, भैया ये कर लेना, ऐसे उपाय कभी भी काम नहीं करते हैं मित्रों। मित्रों, आज मैं कुछ अगर बोल रहा हूँ तो ये मेरी पावर नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे इष्ट की कृपा है जो मुझसे बुलवा रहा है। अगर मैं किसी को उपाय भी देता हूँ, मैं किसी को रेमेडी बताता हूँ और उसको सफलता मिलती है, तो डेफिनेटली इसमें मेरे इष्ट की कृपा है, मेरे इष्ट मुझसे बुलवाते हैं और वही मैं आपको बोलता हूँ और आपका काम बनता है। तो ये कृपा है मेरे प्रभु की, इसलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आप हमेशा भगवान का जाप करते रहें। साथ में एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाह रहा हूँ मेरे सभी व्यूअर्स को, कि हनुमान चालीसा का जाप जरूर करें, रोज़ एक हनुमान चालीसा का जाप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, उसके साथ ये उपाय भी करते रहें, पति पत्नी के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और हर तरफ से आपको, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में आएंगी। बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिसके साथ होता है, मेरे खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद जिसके साथ होता है, उसके घर में परिवार में हर तरह से बरकत ही बरकत होती है, हर तरह से सुख संपन्नता रहती है। मित्रों, इसके साथ राधा कृष्ण का जाप जरूर करते रहें, स्पेशली प्रेमी जोड़ा राधा कृष्ण का जाप बार बार करें, जब भी मौका मिले राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपते रहें, तो उनके प्रेम से रिलेटेड जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो दूर होती रहेंगी। मित्रों, जय श्री राम। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, वेट कीजिए, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा फ्राइडे को। मैं एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे और एवरी फ्राइडे को 8:35 PM पे मेरा वीडियो आता है। और मित्रों, सजेस्ट करूँगा कि आपके जितने भी रिलेटिव हैं, जिनके भी पति पत्नी में रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, बताएंगे तो कोई भी नहीं, लेकिन आप सबको शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे और सबके घर में भगवान खुशियाँ बरसे। जय श्री राम।